नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। हम बातें कर रहे थे सर्कुलर मोशन की, हमने तमाम किस्म की बातें जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में हो सकती थी वो कर ली है। अब हमें आगे बढ़ना है और हमें देखना है कोई सवाल होमवर्क में था क्या। नहीं, कोई भी सवाल शायद होमवर्क में नहीं दिया गया था। अभी अपन को खेला शुरू करना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। कौन सा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कोई बहुत तगड़ी रॉकेट साइंस या कोई बहुत नई चीज नहीं है भैया। हॉरिजॉन्टल आपने समझ ली तो वही बस अब खेला वर्टिकल में चलेगा। कौन से वाले प्लेन में चलेगा? वर्टिकल प्लेन में चलेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी के बारे में बातें अपन पहले से करके आए हैं, वर्क पावर एनर्जी में। और थोड़ा बहुत कहीं प्रोजेक्टाइल लग जाए वो भी आपको नॉलेज है, तो कुछ भी परेशान होने की कतई जरूरत नहीं। आपके लिए कोई भी नई चीज नहीं होगी, बस आपको लॉजिकली चीजों को समझना है जो बताई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कौन सा भैया? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हेडिंग डाल दीजिए आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन। खूब सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं जेई में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। ओहो हो, अब आप ध्यान से देखें। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाना चाह रहा हूं। मेरे पास तो जुगाड़ है जिससे कि मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवा सकता हूं। मैंने कहा यही आइटम है जिससे अपन करवा सकते हैं। अच्छा, ये आइटम है अपने पास भाई साहब, और इससे अपन चाहते हैं कि भाई साहब सर्कुलर मोशन का ज्ञान लें अपन। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे अपने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है कि ये वाले पॉइंट से इसको फिक्स कर दिया है, ये वाले पॉइंट से इसको फिक्स कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ज्ञान लें, तो अपन क्या कर रहे हैं, ये वाले आइटम को रफ्तार दे रहे हैं। ये वाला आइटम को क्या दे रहे हैं? रफ्तार दे रहे हैं। मैंने इसको ऐसे रफ्तार दिया तो ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट करने लगा। यहाँ से थोड़ा जोर से दिया तो और जोर से, बहुत जोर से दिया, बहुत तेज रफ्तार दिया तो यहां तक पहुंच गया, और तेज रफ्तार दिया तो ये हो सकता है ऐसे शूम ऐसे करके आए, और तेज रफ्तार देंगे तो क्या होगा भाई साहब? तो ये पूरा ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ आ रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा क्या हो रहा है कि हमने एक धागा ले लिया। हमने क्या लिया है? एक धागा लिया है, और उससे मान लीजिए कि एक ब्लॉक टाइप का आइटम जो है यहाँ पे बांध दिया। ब्लॉक टाइप का आइटम हमने क्या किया है? बांध दिया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन करे। क्या करे? सर्कुलर मोशन। इसलिए हम इसको कुछ रफ्तार दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो इस पाथ पे गमन करे। कौन से पाथ पे? इस वाले पाथ पे गमन करे। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ओहो हो, लेकिन भाई कितनी रफ्तार दें, क्या होगा? मैंने कहा बहुत कम रफ्तार दूं, अगर मैं बहुत कम रफ्तार दूं तब तो ये बहुत ही कम आगे जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है। जितनी ज्यादा मैं रफ्तार दे रहा हूं उतना ही ज्यादा ये ऊपर जा रहा है, और कुछ फिक्स रफ्तार से ज्यादा दूं फिर ये ऊपर से घूम के पूरा ऐसा आने लगता है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। ओहो हो, अब आप ध्यान से देखें। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैंने इसको इनिशियल रफ्तार क्या दी है? मैंने इसको इनिशियल रफ्तार दे दी है U। क्या दी है? U दे दी है भाई साहब। ओह बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसी से वॉइस रिकॉर्ड हो रही है तो इसको डालना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, अब आप ध्यान से देखें। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसको रफ्तार दे दी U। मैंने इसको क्या रफ्तार दी? U रफ्तार दे दी। और अब किधर पहुंचेगा? क्या ये यहां तक पहुंचेगा? कि ये यहां तक पहुंचेगा? क्या ये यहां तक पहुंचेगा? मतलब क्या ये पूरा सर्कुलर करेगा कि ऐसे थोड़ी सी रफ्तार दी ऐसे करके वापस आ गया? ऐसा भी तो हो सकता है यार। ओह, मैंने कहा ये वाले बिंदु को मैं बोल देता हूँ ए, लोअर मोस्ट पॉइंट को। ये वाले पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। ये वाले पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ, और ये वाले पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ। अच्छा, माना कि ये थोड़ी देर बाद में यहाँ आ गया है। कहाँ आ गया है? ये यहाँ आ गया है, और इसकी रफ्तार इस साइड हो गई है। क्या हो गई है? इस साइड हो गई है। माना कि ये वाला एंगल क्या हो गया है? थीटा हो गया है। क्या हो गया है? थीटा हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत खूबसूरत। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हो क्या रहा होगा, कि इसके इसके ऊपर इधर टेंशन लग रही होगी, इधर इसकी मान लो रफ्तार v हो गई है, तो एम वी स्क्वायर बट्टा आर। आर मान लीजिए जिसका रेडियस है, आर लग रहा होगा। हो, नीचे क्या लग रहा होगा? इसके थीटा के रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं अपन, ये एम जी लग रहा होगा। ये एंगल थीटा है तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा, एम जी कॉस थीटा। क्या चीज? एम जी कॉस थीटा। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? इधर वाला कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा। टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? मैंने कहा यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आ रही है एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी स्क्वायर बटा आर। एम जी कॉस थीटा
प्लस एमवी स्क्वायर बटा आर। मैंने कहा अच्छा ओ। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे कि भैया जब मैं इसको सर्कुलर करवा रहा हूँ, ऐसे सर्कुलर करवा रहा हूँ जब से, ये कब तक करता रहेगा? क्या वहां पे टेंशन के बारे में क्या होना चाहिए? टेंशन क्या होना चाहिए, मतलब टेंशन के बारे में सोचिए, क्या टेंशन जीरो से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा सर्कुलर हो सकता है जहां पे टेंशन जीरो हो, जीरो जीरो हो या जीरो से मतलब टेंशन हो ही नहीं, क्या ऐसा सर्कुलर हो सकता है? अब आप ध्यान से देखिए कि मैं टेंशन के बारे में फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये सर्कुलर कर रहा है भाई साहब, तो इसको सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में फोर्स कौन लगा रहा है? टेंशन ही लगा रहा है। और ऐसा कुछ हुआ कि टेंशन ही जीरो हो गया, तो भैया ये फिर सर्कुलर वाले पाथ को अलविदा बोल देगा। आप करके ट्राई कर लीजिए, आप ऐसा कुछ आइटम लीजिएगा और क्या कीजिए कि यहां से आप रफ्तार दीजिएगा, रफ्तार आप देंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा, मैंने बहुत कम रफ्तार दी, मान लो थोड़ी सी रफ्तार दी यहाँ पे, थोड़ी सी रफ्तार दी तो यहाँ यहाँ पे यहाँ से ये थोड़ा आगे जाके डर सर्कल कर ही नहीं रहा, कुछ और करके थोड़ी देर तक सर्कल के पार्ट में था और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से। अरे हो जा भाई, हाँ एक लिमिट के बाद में वो ऐसे स्लैप करके इधर आ गया, सर्कुलर ट्रैक को वो भूल गया, क्योंकि वहां पे क्या हुआ होगा, टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल वाला कार्यक्रम खत्म हो गया होगा, यानी टेंशन वहां पे जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देना बंद कर दिया होगा, तब वो क्या कर रहा होगा, फ्री फॉल कर रहा होगा और कुछ रफ्तार रही होगी, प्रोजेक्टाइल करने लग गया होगा। ओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई साहब कि यार टेंशन के बगैर तो सर्कुलर यहाँ पे होना पॉसिबल नहीं है, टेंशन के बगैर सर्कुलर का होना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब टेंशन तो होना चाहिए। टेंशन क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, कुछ तो टेंशन होना चाहिए, क्योंकि टेंशन ही वो वाला फोर्स है जो क्या करवा रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है, इसका मतलब बगैर टेंशन के काम चलने वाला नहीं है, बगैर टेंशन के काम चलने वाला नहीं है, मतलब ये जो टेंशन है वो सर्कुलर मोशन होने के लिए, फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन इस पर्टिकुलर केस में क्या होना चाहिए, अगर सर्कुलर मोशन हो रही है तो एवरीवेयर टू एवरीवेयर हर जगह क्या होना चाहिए भाई साहब, टेंशन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए, मिनिमम जीरो हो सकता है, वैसे मतलब वही पॉइंट होगा, वैसे तो वो ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए, वैसे तो ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए अगर सर्कुलर कंटिन्यूस हो रही है, अच्छा कहीं जाकर रुक गई एक पॉइंट के लिए हो सकता है जीरो हो जाए, हर पॉइंट पे टेंशन आपका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा ओ टेंशन इंपॉर्टेंट है, वही तो भाई सर्कुलर करवा रहा है इसको वर्टिकल प्लेन में, अरे ए से बी तक जब जा रहे थे तब टेंशन आपका ऐसे आया है, कहां से लेके ए से लेके बी तक जा रहे हैं, मैंने कहा अगर आप ए से बी तक जा रहे हैं तो थीटा आपका क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा क्या होगा लाला, कम हो रहा है, अरे कौन कॉस थीटा कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है ये अगर आप ध्यान से देखें तो क्या टेंशन कम हो रही है? मैंने कहा हाँ। अच्छा आप कैसे बोलोगे कि वी कम हो रहा है? मैंने कहा आप ऊपर जाइए, आप क्या कीजिए, आप ऊपर जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं? मैंने कहा आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पहले इसकी रफ्तार यू थी, बाद में वी होगी, आप बताओ वी बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, आप खुद ही सोच के बताएं, मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि वी घट रहा है, घट रहा है, क्यों क्यों, क्योंकि ये अगर यहां से यहां तक जा रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन दैट इज इक्वल टू किसी भी पॉइंट पे मैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकता हूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन जीरो होगा, काहे को लाला, क्योंकि वो हमेशा परपेंडिकुलर है, किसके डिस्प्लेसमेंट की, हमेशा परपेंडिकुलर है, वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव आ रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब वी लेस देन यू होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए। अरे भैया ऊपर जा रहे हो आप, इस लेवल से इस लेवल तक गए, ये वाली दूरी आपकी आर है, ये वाली दूरी आर है, तो ये वाले ट्रायंगल से ये वाली साइड क्या होगी, आर कॉस थीटा, और पहले क्या थी, आर थी, तो आपका एच क्या हुआ, आर माइनस आर कॉस थीटा, उतना ऊपर गए हैं, उतना ऊपर गए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है उतनी काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए, इसका मतलब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका वी कम हो रहा है, आप ए से बी की तरफ आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका वी कम हो रहा है, मैं तो बोलूंगा बी से सी में भी वी कम हो रहा होगा, काहे को लाला, हाइट बढ़ रही है, सी से डी में स्पीड बढ़ रहा होगा वापस नीचे आते हुए, डी टू ए में भी स्पीड बढ़ रहा होगा क्योंकि नीचे की तरफ आते हुए पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत सारा
शानदार। अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, टेंशन इस तरह से वेरी कर रहा है, थीटा बढ़ रहा है, कोस थीटा कम हो रहा है और वी भी कम हो रहा है। अच्छा वी भी कम हो रहा है तो पक्का गारंटी है कि टी कम हो रहा है, लेकिन क्या टी कम होते होते जीरो हो सकता है? मैंने कहा ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो से लेकर 90 के बीच में और कोस थीटा फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कसम कभी जीरो नहीं हो सकता। तो क्या टेंशन हमेशा सदैव ए से बी के बीच में कम हो रही है? टेंशन कम हो रही है बट टेंशन विल बी ग्रेटर देन जीरो, विल बी नेवर जीरो, विल बी नेवर जीरो का क्या कहना चाह रहा है मास्टर कि ए से बी के बीच में कोई टेंशन जीरो होने वाली नहीं है, जीरो नहीं होगी। इसका जीरो नहीं होने का मतलब क्या? सर्कुलर चलती रहेगी। मैंने कहा पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ नहीं रहेगा, पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ नहीं रहेगा। जैसे आपने ऐसे क्या कर दिया, थोड़ी सी रफ्तार दी, वो पेंडुलम करता रहेगा। क्या करता रहेगा? वो ऐसे ऐसे पेंडुलम करता रहेगा। अगर आपने रफ्तार थोड़ी सी थोड़ी दी है, बहुत कम दी है, वो कितनी दी है वो सब आगे जाके जानेंगे, थोड़ी कम रफ्तार से ऐसे देके छोड़ दिया, ये ऐसे ऐसे करता रहेगा लेकिन रहेगा सर्कुलर पाथ में। काहे को लाला? क्योंकि टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो रही, वो नॉन जीरो लग रही है, यानी कि वो सेंट्रीपेटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रही होगी, ये ऐसे ऐसे कर रहा होगा। ओ अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इससे ये पता लग रहा है कि सर्कुलर ट्रैक पे पक्का रहेगा। मैंने कहा हाँ पेंडुलम तो पक्का करता रहेगा, मतलब अगर ऊपर नहीं गया तो वो वापस भी आ जाएगा, लेकिन ये ऐसे ऐसे करता रहेगा। मैंने कहा अच्छा, अगर आप बी से सी की तरफ बात करें, कहां से कहां तक? बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक अगर अपन जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं? बी से लेके सी तक। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बी से ऊपर पहुंच के मान लो कि यहां पे कहीं ले लिया हमने अपने इसको, और हमने यहाँ पे ले लिया है, मास एम है, और अपने क्या बोला, इधर की तरफ टेंशन लग रही होगी, माना कि ये वाला एंगल आपका थीटा है और यहाँ पे आपके लिए ये लग रहा होगा एम जी, ये वाला एंगल आपके लिए हो गया थीटा, ऊपर क्या लग रहा होगा? मैंने कहा एम वी स्क्वायर बटा आर लग रहा होगा, वी वहां की रफ्तार मान ली मैंने। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो टेंशन आ रही है, यहाँ पे टेंशन क्या आएगी? एम जी कॉस थीटा इधर आ जाएगा, है ना? तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए? एम वी स्क्वायर बट्टा आर। अरे भाई टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा ध्यान से देखें, एम जी कॉस थीटा इधर आ जाएगा तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे आपके लिए आ जाएगी एम वी स्क्वायर बट्टा आर, एम वी स्क्वायर बट्टा आर माइनस एम जी कॉस थीटा। क्या आ गया है? माइनस एम जी कॉस थीटा। मैंने कहा अच्छा, अगर आप बी से लेके सी की तरफ जा रहे हैं, थीटा मैंने वर्टिकल से लिया, थीटा कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है, कॉस थीटा क्या होगा? मैंने कहा कॉस थीटा बढ़ रहा है। ओ और वी क्या हो रहा है? मैंने कहा वी तो वैसे ही घट रहा है, वी तो वैसे ही घट रहा है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही हैं यहाँ पे। ओह अगर आप ध्यान से देखें, तो आप ये पाएंगे भैया कि ये वाली क्वांटिटी कम हो रही है और ये वाली क्वांटिटी बढ़ रही है, तो टेंशन, मैंने कहा टेंशन कम हो रही है। ओह टेंशन तो ए से लेके बी में भी कम हो रही थी, बी से लेके सी में भी कम हो रही है, लेकिन ए से बी में कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन क्या बी से सी में कभी जीरो भी हो सकती? मैंने कहा हाँ, ऐसा हो कि भाई एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बटा आर के बराबर हो जाए तो जीरो हो जाएगी लल्ला। ओह कैन बी जीरो, डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रही है कंटिन्यूस, इसका मतलब क्या है कि भैया कैन बी जीरो, कैन बी जीरो। जैसे ही मेरे मन में आया कि जीरो हो सकती है, अगर जीरो हो गई तो सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगी क्योंकि सर्कुलर तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, मतलब ये टेंशन ही तो करवा रही थी, फिर पार्टिकल सर्कुलर को अलविदा बोल देगा भैया कि अगर टेंशन जीरो तो हमको जो सर्कुलर करवा रहे थे तुम फ्री हो गए हो, अब हम पे लग रहा है हमारी कुछ रफ्तार रहेगी और हम पे एमजी लग रहा है तो हम तो प्रोजेक्टाइल करेंगे भैया, ऐसे पार्टिकल को फेंक दिया टिच और नीचे कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है एमजी, बस एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल आप जानते हैं कि जीरो या 180 नहीं हो। अरे भैया प्रोजेक्टाइल होता कब है? प्रोजेक्टाइल तब होता है जब आपकी इनिशियल स्पीड u और कांस्टेंट एक्सेलरेशन a के बीच का ये जो एंगल है वो ना तो जीरो होना चाहिए ना 180 होना चाहिए। जीरो कैसे? मैंने कहा यहां से पार्टिकल को मैंने ड्रॉप कर दिया तो इनिशियल या नीचे फेंक दिया
तो इनिशियल स्पीड हो गई नीचे और एक्सेलरेशन कैसी हुई नीचे, तो क्या हुआ एंगल जीरो, या फिर मैंने पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया, इनिशियल स्पीड हुई ऊपर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुई नीचे, बीच का एंगल क्या हुआ 180 डिग्री। इन दोनों केस में क्या आएगा, मैंने कहा स्ट्रेट लाइन आएगी, इसके अलावा आप किसी एंगल पे पार्टिकल को फेंकिएगा तो इनिशियल वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अगर जीरो एंड पाई के अलावा कुछ भी हुआ तो पार्टिकल वो अपना प्रोजेक्टाइल करता है, क्या करता है प्रोजेक्टाइल करता है। तो भैया ये बीच में प्रोजेक्टाइल करने लग जाएगा क्योंकि कुछ स्पीड रहेगी और टेंशन जीरो, धागा स्लैक हो जाएगा, बोलेगा अपन सर्कुलर नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसी घटना बी और सी के बीच में हो सकती है, मैंने कहा हाँ ऐसी घटना बी एंड सी के बीच में हो सकती है, हो सकती होगी कि नहीं होगी वो हमें नहीं पता, होगी कि नहीं होगी वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि भैया इनिशियल स्पीड क्या है, ये वी क्या है, बहुत सारी बातों पे डिपेंड करेगा, इनिशियल स्पीड कितनी देगी उसको छोड़ा है। लेकिन अगर हो गई तो भैया फिर स्लैक कर जाएगा, मैंने कहा अच्छा ओहो, अगर ऊपर की तरफ टेंशन कम हो रही है, अगर ऊपर की तरफ टेंशन कम हो रही है, यहां से यहां भी कम हो रही है, यहां से यहां भी कम हो रही है, सबसे मिनिमम कहां होगी, सबसे मिनिमम कहां होगी, सबसे मिनिमम कहां होगी, टी सबसे मिनिमम कहां होगी, तो आप बोलेंगे भाई साहब टी एट सी, ये आपकी मिनिमम होगी। और अगर मान लो कि यहां की टेंशन भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गई, यहां की टेंशन भी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गई तो क्या पक्का यहां से यहां तक सर्कुलर किया है, मैंने कहा हाँ, फिर आगे तो रिपीट टेलीकास्ट है, जो कार्यक्रम यहां से बी से सी में हुआ था, बी से सी में आपका क्या हुआ था स्पीड बढ़ रहा था, सॉरी स्पीड घट रहा था, सी से डी में उल्टा हो जाएगा, जो कार्यक्रम यहां से वहां हुआ उसका जस्ट उल्टा यहां पे, तो यहां से यहां हुआ उसका जस्ट उल्टा यहां पे। बी से सी में आपके लिए स्पीड क्या हो रही थी, स्पीड क्या हो रही थी, स्पीड आपकी घट रही थी, तो यहां से बढ़ रही होगी टेंशन, यहां पे घट रही होगी तो यहां बढ़ रही होगी, यहां और बढ़ रही होगी, सबसे मैक्सिमम फिर यहां हो जाएगी, सबसे मिनिमम यहां होगी, मैक्सिमम यहां पे, मिनिमम यहां पे, कम हो रहा कम हो रहा कम हो रहा कम हो रहा, मिनिमम बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा मैक्सिमम। अगर सी पे यानी मिनिमम जहां पे टेंशन हो रही है वहां पे भी जीरो नहीं हुई, क्या फिर उस वाले केस में ये सर्कुलर होगा, ये पार्टिकल जो इस धागे से बंधा हुआ है, फिर तो टेंशन धागे में हमेशा नॉन जीरो रहेगी क्योंकि तुम्हारी यहां पे भी जीरो नहीं हुई है, फिर सर्कुलर कंफर्म होगी, मैंने कहा अच्छा ओहो। अच्छा यहीं पे एक छोटी सी बात है, कोई आपको बोले कि एक बाल्टी है, ये क्या है, एक बाल्टी है उसमें अपन ने पानी भर दिया, क्या भर दिया है पानी भर दिया, ढक्कन वक्कन नहीं लगाया, बाल्टी जानते हैं ना जी, नौदे उदे में बाल्टी तो रखते थे अपने पास, बाल्टी तो होती थी ना, तो उस बाल्टी में एल्युमिनियम की बाल्टी है, तो पानी वानी भर दिया है ना, एल्युमिनियम भी भरना क्योंकि प्लास्टिक वाली को ऐसे घुमाएंगे तो टूट टूट फूट जाएगी, एल्युमिनियम वाली बाल्टी में पानी भर दिया अपने, छोटी सी बाल्टी में, फिर क्या किया अपने बाल्टी को ऐसे घुमाया, बाल्टी को पकड़ के ऐसा टिक 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 ऊपर से पकड़ के, क्या पानी पानी गिरेगा, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा काम करें आप कि भैया पानी गिरे ही नहीं, पानी गिरे ही नहीं, मतलब पानी आप ऐसे घुमा रहे हैं, ढक्कन नहीं लगा है फिर भी पानी नहीं गिर रहा, बल्कि बाल्टिया को सर्कुलर करवा रहे हैं, डर्र, तो ऐसे ऐसे रखी हुई बाल्टी है उसको अगर आप सर्कुलर करवा रहे हैं, डर्र, वो ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, जब ऊपर जाएगा भैया तो उस वाले केस में पानी नहीं गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो काम यहां पे धागा करवा रहा था, पानी को सर्कुलर कौन करवा रहा है, अगर अगर आपने बाल्टी जो ऐसे रखी ऐसे कर रही है, हमेशा ऐसा घूम रही है, हमने पास बाल्टी का कार्यक्रम नहीं है, मान लो कि भाई ऐसे बाल्टी है और ऐसे ऐसे घुमा के मैं ऐसा ला रहा हूं, इसमें ढक्कन लगा हुआ लल्ला, लेकिन अगर मैं बहुत तेज रफ्तार से ऐसे लाऊं पानी नीचे नहीं आएगा है ना, बहुत तेज रफ्तार से रखें, क्यों लल्ला ऐसा कुछ जो, अरे वो जो यहां काम टेंशन कर रहा है वहां पे इस पानी को सर्कुलर कौन करवा रहा है ना, पानी को अगर मैं बहुत तेज रफ्तार चलाऊं ऐसे तो उसको कौन करवा रहा है, यहाँ पे नॉर्मल करवा रहा होगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए, एक छोटी सी बात पूछे आपसे कि ये बाल्टी में पानी नहीं गिर रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मान लिया मैंने पानी है, ये कौन है इसमें, ये इसमें पानी है, ओहो ये तो आप बाल्टी है जिसको आप पकड़ के ऐसे घुमा रहे हो, मान लो कि बाल्टी की रफ्तार यहाँ पे जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे पानी के ऊपर लगने वाला, पानी पे इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, इधर नीचे क्या लग रहा है, इस पे एमजी लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है एमवी स्क्वायर बटा आर लग रहा है, सर्कुलर होने के लिए नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो सकता है, यानी कि आपके लिए एमवी स्क्वायर बटा आर मस्ट बी इक्वल टू एमजी,
यानी कि आपका m से m कट गया, v इज इक्वल टू रूट जी आर। अगर मैं बोलूं कि m ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो उस वाले केस में क्या मैं बोल सकता हूं कि v मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रेडियस कैपिटल r मान लेते हैं, तो रूट जी आर एम वी स्क्वायर बटा आर इज इक्वल टू एम जी, एम से एम कट गया, रूट जी आर से ज्यादा रफ्तार से अगर आप चलाइएगा ऐसे घुमाएंगे तो पानी नहीं गिरेगा। कितनी रफ्तार लेनी है आपको? रूट जी आर से ज्यादा, रूट जी आर से ज्यादा अगर रफ्तार से आपने घुमाया तो पानी गिरने वाला नहीं है। खैर अपन लौट के यहाँ पे आते हैं, हमारा धागा नहीं गिरेगा अगर हमारे पास यहाँ पे रफ्तार कितनी हो, यहाँ पे रफ्तार कितनी होनी चाहिए आप सोच के बताइए कि यहाँ पे कितनी रफ्तार होगी मिनिमम होनी चाहिए जिससे कि हमारा ये सर्कुलर होता रहे। मैंने कहा इस वाले पे इधर लगने वाला टेंशन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जस्ट जीरो हो जाए, जस्ट जीरो हो जाए तो भी आगे चलेगा। देखते हैं जरा जीरो, जस्ट जीरो कब होगा? मैंने कहा अगर आप थीटा बन के बैठ जाए और मान लीजिए इधर की रफ्तार v है, नीचे आपके mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है वो आप बोलेंगे mv स्क्वायर बटा r। क्या लग रहा है? mv स्क्वायर बटा r। आपका टेंशन क्या होगा? मैंने कहा भैया टेंशन नीचे खींच रहा है, टेंशन प्लस mg दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बटा r। मेरा टेंशन जो है सॉरी वो आ जाएगा mv स्क्वायर बटा r माइनस mg एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी कि मेरा जो v है, यानी कि जो मेरा v है वो ग्रेटर देन इक्वल टू gr होना चाहिए। क्या होना चाहिए? gr मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे जो v मिनिमम हो सकता है वो आपका मिनिमम क्या हो सकता है? वो है आपका रूट जी आर। क्या है? रूट जी आर मिनिमम टॉप मोस्ट पॉइंट पे रफ्तार होनी चाहिए। कहां पे? टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम रफ्तार रूट जी आर है। अब आपको बाल्टी वाले केस में बोलेगी यूनिफॉर्म वेलो मिनिमम कितनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम चलाएं, क्योंकि उस वाले केस में तो हमें हमारे हाथ में है ना चलाना, हम मिनिमम कितनी यूनिफॉर्म रफ्तार से ऐसे बाल्टी घुमाते रहे पानी नहीं गिरे। आप बोले रूट जी आर। भाई साहब क्या रूट जी आर? अच्छा ओ यहाँ धागे में तो आपने इनिशियल स्पीड दे के छोड़ दिया है, तो ये स्पीड तो काफी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि यहाँ की मिनिमम स्पीड क्या आनी चाहिए? वो रूट जी आर आनी चाहिए। वो क्या आनी चाहिए? रूट जी आर। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, जब टेंशन जस्ट जीरो हो जाए। अच्छा फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे रूट जी आर होगी, टेंशन जीरो होगी, तो क्या सर्कुलर कंप्लीट कर लेगा? मैंने कहा हाँ। अब ध्यान से देखो तो इसके पास रुका नहीं है, यहाँ पे टेंशन जस्ट जीरो हुई है। अगर रूट जी आर दोगे तो एम वी स्क्वायर बटा आर और एम जी बराबर हो जाएंगे, टेंशन जीरो होगी। लेकिन ये आगे जाएगा, क्यों आगे जाएगा? क्योंकि फिर रूट जी आर है ना, रूट जी आर स्पीड तो है ना, तो थोड़ी देर बाद में टेंशन अपने आप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रूट जैसे ही आगे बढ़ेगा आपके पास टेंशन आती हुई दिखाई। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ऐसा होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास टेंशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे रेडियल एक्सेलरेशन जीरो हो गई है। क्या हो गई भैया? रेडियल एक्सेलरेशन जीरो हो गई है, लेकिन वो सर्कुलर का पार्ट होगा। उसके जस्ट अगले वाले पॉइंट पे अपने आप टेंशन आ जाएगी, और उसके जस्ट पहले वाले पॉइंट पे अपने आप टेंशन थी। तो अच्छा भाई साहब, हमने पहले बात की कुछ ऐसे बिंदु हो सकते हैं जहां पे रेडियल एक्सेलरेशन जीरो हो गई हो, लेकिन भैया बगैर रेडियल एक्सेलरेशन के सर्कुलर कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। पेंडुलम वाले केस में भी अपने बातें की, क्या आगे भी करते रहेंगे। अपने को समझ में आ गया कि पूरा एनालिसिस क्या है सर्कुलर का। माना कि यहाँ की रफ्तार आपके पास v है, माना कि यहाँ की रफ्तार आपके पास v है। ओहो, अपन क्या कर सकते हैं? मैंने कहा भैया अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए जो टेंशन आ रही है वो आ रही है mv स्क्वायर बटा r माइनस mg, जो कि क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार, यहाँ की स्पीड का हमको आइडिया लग गया। हम चाहते हैं कि हम किसी तरह से यू के बारे में भी बात करें। अरे ये तो यहाँ की बात है, तो ये आपको बोलेगी फेंका था उसके बारे में कुछ आइडिया बताइए। तो क्या यूज कर लेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है आपका? माइनस ऑफ एम जी इंटू टू आर, फोर्स था एम जी, डिस्प्लेसमेंट होगा टू आर। ये बात पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, वर्क डन बाय टेंशन जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या आ जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी? हाफ एम यू स्क्वायर। क्या आ गई है? हाफ एम यू स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें
ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पे, ध्यान से अगर आप देखें तो यू आपके लिए क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया है आपके लिए माइनस ऑफ फोर जी आर, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर की तरफ क्या हो गया इधर की तरफ है वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, माइनस ऑफ यू स्क्वायर है। अच्छा यू की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, यहाँ से यू की वैल्यू आ रही है वी स्क्वायर प्लस फोर जी आर। अच्छा हो यू क्या आ रहा है, मैंने कहा यू तो वी स्क्वायर प्लस फोर जी आर आ रहा है। अच्छा यू यू की मिनिमम वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो यू आपका जो है, यू आपका क्या मिनिमम कब आएगा, जब आप वी की मिनिमम वैल्यू डालेंगे, वी की मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर प्लस फोर जी आर। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके वी मिनिमम की वैल्यू क्या है, वी मिनिमम की वैल्यू आपको चाहिए सर्कुलर होने के लिए जी आर, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये जी आर प्लस फोर जी आर क्या आ गया है रूट फाइव जी आर, ये यू की मिनिमम वैल्यू होगी। इसका मतलब सर्कुलर होने के लिए यानी टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसका मतलब यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू यू मिनिमम, इसका मतलब क्या होना चाहिए रूट फाइव जी आर से बड़ा होना चाहिए, रूट यू आपका जो है वो रूट फाइव जी आर से बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा तभी क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे इनिशियल रफ्तार रूट फाइव जी आर से ग्रेटर देन इक्वल टू दे दी तब ये पक्का सर्कुलर करेगा। हमें पता है कि यहां से यहां तक स्पीड भी कम हो रही है, टेंशन भी कम हो रही है, लेकिन यहाँ की टेंशन जस्ट इक्वल टू जीरो हो जाए तो भी कर लेगा, तब उस वाले केस में यहाँ की यू क्या होने चाहिए रूट फाइव जी आर, तब वहां का वी क्या आ जाएगा रूट जी आर, है ना, तब टेंशन जीरो हो जाएगी। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत, ओहो हो थोड़ा सा बोर्ड को एक आइडिया लगा अपने को भाई, वर्टिकल सर्कुलर मॉडल का कोई बहुत ज्यादा टफ चीज है नहीं, धीरे धीरे खेला को अपन आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल लेते हैं बहुत लल्लू बुल्लू टाइप का, आपको एक मजा आ गया भैया सर्कुलर कंप्लीट करनी है यानी पार्टिकल को सी पे पहुंचाना है, मिनिमम सी पे पहुंच गया जस्ट वहां पे टेंशन जीरो हो गई तो भी काम चल जाएगा, इसके लिए मिनिमम आपको लोअर मोस्ट पॉइंट पे रफ्तार क्या देनी है रूट फाइव जी आर देनी है, क्या देनी है रूट फाइव जी आर। अब आपको कोई बोले भैया ऐसा क्या बोले, आपको कोई बोले कि एक पार्टिकल है, मैंने कहा हाँ जी ओहो यहाँ पे बंधा हुआ है, मैंने कहा अच्छा मास इसका क्या है 1 kg ले लेते हैं, रेडियस क्या है, रेडियस है इसका 1 meter, क्या है 1 meter, तो रूट फाइव जी आर की वैल्यू क्या आ गई भैया रूट ऑफ 5g आपका हो गया 10√50, कितना हुआ √50, तो √50 से बड़ा कुछ भी रफ्तार दे देता हूँ, तो मैंने इसको रफ्तार दे दी इधर 10 meter per second, क्या दी है 10 meter per second लोअर मोस्ट पॉइंट पे। आपसे पूछा क्या ये सर्कुलर करेगा, क्या ये सर्कुलर करेगा, धागे से बंधा हुआ है क्या ये पूरी सर्कुलर मोशन करेगा, आंसर बताइए यस और नो। आप सोच के देखिए कि जो इनिशियल रफ्तार है इनिशियल वाली, क्या वो रूट फाइव जी आर से बड़ी है, मैंने कहा हाँ, क्या वो रूट फाइव जी आर से बड़ी है, मैंने कहा हाँ, रूट 50 से क्या 10 बड़ा होता है, मैंने कहा हाँ, रेडियस बन दिया ना, हाँ रेडियस बन दिया तो क्या सर्कुलर मोशन करेगा ये कंप्लीट, तेरा जवाब है यस, क्या 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 है यस, है ना सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तेरा जवाब है यस। तो मैंने तुमसे पूछा कि जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला एंगल वर्टिकल से 37 degree हो जाएगा, तब जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तब आप दो चीज बताएं, पहला यहाँ वी बताएं और दूसरा यहाँ पे टेंशन बताएं, तब इसकी स्पीड क्या होगी, तब धागे में टेंशन क्या होगी, तब धागे में टेंशन क्या होगी और वहां पे इसकी स्पीड क्या होगी। सोचिए और बताइए कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब जो है स्पीड क्या होगी और धागे में टेंशन, टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो बहुत इजी होता, थोड़ा सा टफ कर दिया हमने 37 degree, सर्कुलर करेगा क्या, कंप्लीट करेगा क्या, मैंने कहा हाँ, क्योंकि 10 की वैल्यू रूट 5 जी आर से बड़ी है, 10 की 10 इनिशियल स्पीड जो यू है आपका वो जो है रूट जी आर से बड़ा है, अगर वो रूट जी आर से बड़ा है तो भैया पूरी करेगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात
नहीं है। आइए पता करते हैं कि कैसे पता करेंगे। अरे भाई कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, ये एंगल 37 डिग्री है, ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या हो गया आपका 37 डिग्री। मास क्या है 1 kg टू mg क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, और mv स्क्वायर बटा r मैंने कहा थीटा के रिस्पेक्ट में उधर लग रहा है। टेंशन क्या होगी, मैंने कहा इधर mg cos थीटा लग रहा होगा, उधर mv स्क्वायर बटा r लग रहा होगा, तो टेंशन की वैल्यू तो मेरे लिए हो जाएगी mv स्क्वायर बटा r माइनस ऑफ mg cos 37 डिग्री। मैंने कहा हाँ क्या क्या चाहिए, मैंने कहा v चाहिए, मुझे क्या चाहिए v चाहिए। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें, तो ये वाली हाइट क्या है आप बताइएगा पहले, हमको ये वाली हाइट चाहिए होगी क्योंकि मैं चाहता हूँ वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई टेंशन इज इक्वल टू हाफ एम काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। वर्क डन बाई ग्रेविटी टेंशन नेगेटिव आ जाएगा मतलब जीरो आ जाएगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा माइनस ऑफ mg, माइनस ऑफ mg इंटू ये वाली दूरी, ये वाली दूरी आपका हो जाएगा r प्लस r, तो ये वाला हो गया 1 मीटर प्लस ये वाली दूरी है ना, ये है आपका 1 मीटर, क्या है 1 मीटर है, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, मैंने कहा 1 into cos 37 degree जो कि हो जाएगा 4/5, क्या होगा 4/5, तो आपका जो है r plus r cos 37 degree is equal to half m v square minus u square। तो आप ध्यान से देखिए तो m से m की आपकी बत्तियां गुल गुल हो गई है, ये आपका हो गया माइनस 10, r की वैल्यू 1 है, और ये आपका हो गया है 4/5, 1 into cos 37 degree जो कि 4/5 हो गया है, और ये वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है 100 हो जाएगी। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार, हो इसको इधर ले आइए, इसको 20 कर दीजिए, माइनस 20 कर दीजिए, अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार हो। तो ये वाला कार्यक्रम को अगर पॉजिटिव करना है तो 100 माइनस वी स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए 100 माइनस वी स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कि कितना हो गया, मैंने कहा 20 प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो गया है, ओहो तो वी स्क्वायर की ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई है 36 हो गई है, क्या हो गई है 36 हो गई है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने कहा 36 अगर आप घटाएंगे तो 44 आ जाएगा, यानी v की वैल्यू क्या आ गई है √44 meter per second। अगर मुझे टेंशन पूछा होता, नहीं पूछा है, पूछा है तो क्या वैल्यू हो जाएगी टेंशन की, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी वहां पे m कितना है 1 kg है, v स्क्वायर की वैल्यू क्या है 44 है डिवाइडेड बाय 1 है, m कितना है 1 है, 10 इंटू कोस 37 डिग्री दैट इज 4/5, तो ये आपका कट गया 2, यानी ये वैल्यू आ रही है 44 - 8, क्या आ रही है 44 - 8 दैट इज इक्वल टू 36, क्या आ रहा है 36 न्यूटन जो है आपके क्या होगी टेंशन होगी, कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अरे बहुत ही जी भैया है कि नहीं यार, ओ हो टफ करें क्या इसको, टफ कर लेते हैं, तो देख जरा ध्यान से देख ले यार, अगर मान लीजिए कि यही वाला पार्टिकल जो है इसको अपन क्या कर दे रहे हैं, यहां से रफ्तार दे रहे हैं, इनिशियल रफ्तार यहाँ पे दे दे रहे हैं, रेडियस आप ले लीजिए 1 मीटर, क्या ले लीजिए 1 मीटर, मास इसका वही 1 kg है, मान लीजिए कि भैया हमने इसको क्या कर दिया है यहाँ पे, यहाँ से कितने एंगल पे, यहाँ से हमने मान लो कि भाई यहाँ से 37 डिग्री के एंगल पे दे दिया, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, 37 डिग्री के एंगल पे मैंने रफ्तार वही दे दी, 10 meter per second। आपसे पूछा कि क्या सर्कुलर होगी, आपने बोला हाँ, तो मैंने पूछा टेंशन बताइए कहाँ की, कि यहाँ पे कहीं बता दीजिए, ये वाला एंगल मान लीजिए 53 डिग्री, अल्लाह ऐसे टाइम पास करवा रहे हैं, पहले आपको यहाँ की रफ्तार बतानी है और फिर आपको यहाँ का टेंशन बताना है, ये आपका ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, बहुत बढ़िया बहुत शानदार, ओहो तेज रफ्तार से काम करें, तेज रफ्तार से काम करें, और तुरंत मुझे जो है बी एन की बता दें भैया। ध्यान से देखें, ध्यान से आप देखें तो आप ही पाएंगे भाई साहब, ओहो की सर्कुलर तो कर रहा है, तो यहाँ कभी निकालना कोई टफ चीज नहीं है यार, कोई टफ चीज नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे मस्त आ जाएगा भाई साहब। अगर आपका रेडियस क्या है, मैंने कहा 1 मीटर है, अब ये 1 1 1 मीटर
है, तो ये वाला कंपाउंड ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, 1 cos 37 cos 53 degree, यानी क्या हो गई है 3/5 हो गई है, ये वाली क्या हो गई है 4/5 हो गई। अरे ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कम कितना हुआ होगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितना बड़ा होगा, तो आप बोलेंगे mgh, m is 1, g is 10, h क्या है, h is basically 4/5 + 3/5, that is equal to loss in kinetic energy, that is 1/2 mass is 1 into v square final minus initial, final minus sorry sign मैंने सिर्फ loss और loss is equal to gain कर रहा हूँ। तो इनिशियली मेरे पास क्या थी, इनिशियली मेरे पास थी 10 का स्क्वायर यानी कि 100 आ गया है माइनस आपके पास v स्क्वायर, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया आपका 20 × 7/5 दैट इज इक्वल टू 100 माइनस v स्क्वायर, मैंने कहा हाँ, तो ये आपका कट गया 4 × 28 हो गया है, तो v की वैल्यू आ गई है अंडर रूट ऑफ 100 - 28। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो ये √72 आ गया, ठीक है कितना आ गया है √72 meter per second। अब आपको कोई बोले टेंशन बताओ, तो टेंशन बता दो ना यार, क्या है उतना है, ओहो इधर क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा mv square बटा, हम कहाँ बैठे हैं, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हैं भाई, डिफॉल्ट थीटा के रिस्पेक्ट में ये इक्विलिब्रियम में है, ये वाला एंगल आपका 53 डिग्री है, तो टेंशन प्लस mg cos 53 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका mv square बटा r होना चाहिए, क्या होना चाहिए mv square बटा r होना चाहिए, टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी mv square बटा r माइनस mg cos 53 डिग्री आपके लिए हो गया है 3/5, वैल्यू रख दीजिए मास 1 है, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने कहा 72 आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू 1 है, मास की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10 है, इनटू 3 है, डिवाइडेड बाय 5 है, तो ये आपके पास क्या हो गया है, ये आपके पास हो गया है 2 यानी कि 6, यानी कि आपके लिए क्या हो गया है, हाँ आपके लिए ये हो गया है 72 माइनस 6 है ना, अच्छा 70 माइनस 4 हो गया, तो 66 न्यूटन क्या आ जाएगी आपके लिए, 66 न्यूटन का टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा, कैलकुलेशन आप देख ले, मैंने कोई घोटाला तो नहीं किया है, ये आपका हो गया 1 cos 53 degree, तो 5/3/5 आ गया है, ये 4/5 आ गया है, mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी इज 1 × 10 × 4/5 प्लस ये 7/5 हो गया, ठीक है 7/5 × 20 कहां से किया मैंने, उधर भेज दिया, हाँ ठीक है, तो 20 × 7/5 = 728, ठीक है दैट इज 100 - v² तो v स्क्वायर को इधर ले आइए, तो 100 - 78 हो गया, 72 आपका, हाँ ठीक है, तो हाँ 72, और यहाँ पे क्या हो गया t प्लस mg cos 53 डिग्री mv² बटा r है, तो t की वैल्यू आ गई है आपका mv² बटा r माइनस mg cos 53 डिग्री, दैट इज 3 × 1 × 72 / 1 दैट इज 1 × 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 66 है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, आगे बढ़े क्या भैया, हम लोग आगे बढ़ते ही, और कुछ और बात, हाँ एक आध और सवाल लेंगे, नहीं ऐसे सवाल आप कर लेंगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, मैंने कहा अगर मान लो कि जरूरी है कि सर्कुलर पूरी करें, मैंने कहा कोई जरूरी तो नहीं है, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने कहा यार ए से लेके बी तक जब गए थे ना अपन, ए से लेके बी तक जब हम गए थे तो भैया ये पेंडुलम कर रहा, मतलब आपने हमने देखा था कि भैया वो क्या हो रहा था कि टेंशन जो है कम हो रही थी, लेकिन वो कभी जीरो नहीं हो रही थी, तो एक बात की गारंटी है कि वो ए से लेके बी में कभी सर्कुलर को अलविदा नहीं करेगा, अलविदा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, टेंशन जीरो सर्कुलर पाथ खत्म है ना, वैसा कभी काम होने वाला नहीं है, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, काहे गिर रहे हो भाई यहाँ पड़े रहो, हाँ अगर आप ध्यान से देखें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे मास m को एक रफ्तार u दे दे रहा हूँ, और ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक का पार्ट है, मैं बोल रहा हूँ कि भैया मान लीजिए कि a से लेके b तक, a से लेके b वाले पॉइंट तक हमें पता था कि कहीं टेंशन जीरो नहीं हो रही है, लेकिन कम हो रही है, क्या हो रही है,
कम हो रही है। मैंने कहा भैया जस्ट 20 और बी से लेके सी के बीच में, बी से लेके सी में क्या हो रही है, बी से लेके सी में जो है वो आपकी कम हो रही थी और बी और सी के बीच में कम तो हो ही रही थी और वो जीरो भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। मैंने कहा जस्ट बी के बाद में जीरो हो जाए, जस्ट बी पे जीरो हो जाए। मैंने कहा यहां पे पहुंच के जस्ट जीरो हो जाए, ओ अगर यहां पे पहुंच के जस्ट जीरो हो जाए तो आपकी रफ्तार यहां जीरो हो गई है, इधर की टेंशन आपके लिए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस वाले केस में नीचे क्या लग रहा होगा, एमजी लग रहा होगा, आप लौट के वापस आएंगे। आपने कुछ रफ्तार दी यहाँ पे, यहाँ पे कुछ रफ्तार दी हाथ को, ये यहाँ पहुंचा हॉरिजॉन्टल लेवल पे, टिक फिर से हॉरिजॉन्टल, टिक 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 टिक, ये ऐसा करता रहेगा, ये ऐसा करता रहेगा, क्या करता रहेगा, पेंडुलम करता रहेगा, क्या करता रहेगा, पेंडुलम टाइप की मोशन करता रहेगा, पेंडुलम टाइप की मोशन करता रहेगा। अगर मान लो कि यहाँ पे जस्ट जाके जीरो हो गया है, यहाँ पे जस्ट जाके जीरो हो गया, अच्छा तो यहाँ पे यू फिर क्या होना चाहिए। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें, ये है आपके पास आर, और यहाँ की अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या बोलेंगे, भैया चेंज इन काइनेटिक, चेंज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैंने कहा वो है एम जी इंटू आर, है ना, हाइट आपकी आर है, दैट इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपका हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जीरो, यानी कि एम से एम आपने काट दिया, यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रूट टू जी आर, रूट टू जी आर अगर आप रफ्तार यहाँ पे दोगे तो भैया वो बी पॉइंट पे जस्ट पहुंचेगा, वापस लौट के आ जाएगा, लेकिन बीच में कहीं सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ेगा, ऐसा ऐसा करता रहेगा, कैसा करता रहेगा, यहाँ 90 पे जाएगा वापस यहाँ पे ऐसा करता है। मैंने कहा एक बार समझ में आ गई यार कि अगर यहाँ पे रफ्तार में रूट टू जी आर दूं तो यहाँ तक पहुंच रहा है, अगर मैंने यहाँ की रफ्तार यू लेस देन रूट टू जी आर दिया तो क्या होगा। मैंने कहा अगर मैंने यू इनिशियल रफ्तार रूट टू जी आर से कम दूंगा तो क्या होगा। मैंने कहा यहां से आपने रूट टू जी आर दिया, रूट टू जी आर दिया तब यहां पहुंचा है ना, वापस लौट के आ गया, अगर आपने उससे कम दिया तो भैया ये थोड़ा आगे पहुंचेगा और ऐसा हो जाएगा, ऐसा पेंडुलम करेगा। ओ और अगर आपने यहाँ पे रफ्तार रूट फाइव जी आर या उससे ज्यादा दी तो तब मैंने कहा अब समझ में आया कि कुछ नहीं दिया तो ये ऐसे रहेगा, रूट टू जी आर से कम दिया, रूट टू जी आर से कम दिया तो ये बी वाले पॉइंट से नीचे ऐसे ऐसे करता रहेगा, ओ पेंडुलम करता रहेगा, क्या करता रहेगा, पेंडुलम करता रहेगा। मैंने कहा रूट टू जी आर दिया तो मैंने कहा यहां तक पहुंचेगा, बी पॉइंट तक पहुंचेगा। मैंने कहा रूट फाइव जी आर या उससे ज्यादा दिया, फिर एक केस बचा भाई साहब कि अगर मैंने रूट टू जी आर से ज्यादा और रूट फाइव जी आर से कम दिया तो मैंने कहा कहीं बीच में जाएगा और ये यूं ऐसे गिर जाएगा, सर्कुलर का पार्ट खत्म हो जाएगा। रूट टू जी आर तो मिनिमम चाहिए, रूट फाइव जी आर मिनिमम टॉप तक पहुंचने के लिए चाहिए। अगर आपने रूट टू जी आर से बढ़ा और रूट फाइव जी आर से ज्यादा स्पीड यहां पे रूट टू जी आर से ज्यादा और रूट फाइव जी आर से कम दी तो ये यहां कहीं बीच में पहुंचेगा और फिर ऐसे गिर जाएगा, फिर ये सर्कुलर को अलविदा बोल देगा। खैर उस पे अपन लौटते हैं। मान लीजिए कि अब एक बात समझ में आ गई कि यहां से यहां अगर पहुंचना है तो आपको रूट टू जी आर मिनिमम चाहिए, रूट टू जी आर से कम होगा तो ये भैया जो है वो आपके कहीं यहां बीच में ऐसे ऐसे पेंडुलम करते रहेंगे, यहां से पेंडुलम करते रहेंगे, पूरे यहां तक पहुंचेंगे नहीं, कहीं बीच में यहां पे ऐसे ऐसे करते रहेंगे। यहां पहुंचने के लिए क्या चाहिए आपको, रूट टू जी आर मिनिमम चाहिए। मैंने कहा अच्छा मान लो कि मैं आपको भैया हमारे पास यहां पे एक पार्टिकल है जिसका रेडियस सर्कुलर कर रहा है, रेडियस 1 मीटर है, मास मान लीजिए क्या है, मैंने कहा इसका मास है 1 kg, रूट टू जी आर कितना होता है, मैंने कहा रूट टू जी आर होता है 2 × g × r, r को मैंने 1 दिया है तो ये 20 हो गया, तो मुझे ऐसी रफ्तार देनी चाहिए जो रूट 20 से कम हो, है ना, रूट 20 से कम मैंने रफ्तार दी थी, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड कम होगा रूट 20 से, हाँ रूट 24 फीट समथिंग होगा, हाँ ठीक है। अब पूछे कि मैक्सी क्या ये पॉइंट ए बी सी डी क्या ये पूरा सर्कुलर करेगा, मैंने कहा नहीं, क्या ये पॉइंट बी तक पहुंच पाएगा, मैंने कहा नहीं बे, वहां पहुंचने के लिए तो मिनिमम चाहिए रूट जी आर, रूट 20, लेकिन ये तो कम है, इसका मतलब क्या है, ये कहीं यहां तक पहुंचेगा और ये फिर ऐसे ऐसे करता रहेगा। मान लो ये इधर थीटा गया तो ये मैक्सिमम इधर भी थीटा ही नॉट ही जाएगा, यहां पे थीटा नॉट गया तो इधर भी थीटा नॉट, टिक 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 टिक। आपसे पूछा है कि ये जो मैक्सिमम जो आपका थीटा आ रहा है वो थीटा नॉट क्या है, जहां ये मैक्सिमम थीटा,
ये जो थीटा मैक्स है जहां तक ये ऊपर जाएगा वो आपको बताना है कि कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा ये आपसे बताना है। ओहो रेडियस मैंने 1 मीटर दिया है, मास 1 kg दिया है, रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड है, रफ्तार क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है, और आपसे पूछा कि मैक्सिमम कितना थीटा ऊपर जाएगा, या फिर ये भी पूछ सकता हूँ कि मैक्सिमम कितना हाइट में ऊपर जाएगा। खैर थीटा बता दीजिए, हाइट कोई बता देगा। खैर अब आप ध्यान से देखें तो आप पा रहे हैं कि ये यहां तक पहुंच रहा है और इसकी स्पीड क्या हो जा रही है, यहाँ पे जीरो हो जा रही है, पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी जो किसमें तब्दील हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छा कितना ऊपर गया लल्ला, आप बोलेंगे साहब कि पहले ये था आर नीचे, अब आप बताइए तो ये वाला एंगल अगर थीटा नॉट है तो ये वाली हाइट क्या हो गई है, ये वाली हाइट होगी आर कॉस थीटा नॉट, क्या हो गई है आर कॉस थीटा नॉट, पहले ये आर था अब ऊपर है आर कॉस थीटा नॉट, तो एच की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा नॉट, यानी कि आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, इतना ऊपर जाएगा भैया, कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, मैंने कहा एम जी एच आर 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, कितना क्या कम होगा, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी पहले पूरी की पूरी किसमें तब्दील होगी पोटेंशियल एनर्जी में, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी यानी कि 1/2 मास इंटू इनिशियल स्पीड का 1/2 मास इंटू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो एम से एम आपका कट गया है। ओहो जी की वैल्यू 10 हो गई, आर की वैल्यू 1 है, 1 माइनस कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू 1/2 यू स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये वैल्यू कट के कितनी आ रही है 2 आ रही है। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार, ओहो हो 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 हा क्या होगा हमारे लिए, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या किया एम जी एस, हाँ ठीक कैलकुलेशन ठीक ही कर रहा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, एम की वैल्यू कुछ अच्छा लेता तो अच्छा रहता, एम की वैल्यू कुछ अच्छा लेता तो वैल्यू क्या सुगली आ रही है, मैंने कहा हाँ सुगली तो आपकी वाला आएगी, तो नहीं आएगी, ये 2 से कट गया कितनी बार 5 बार, तो ये क्या हो गया है, मैंने कहा 1 माइनस कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू 1/5, मैंने कहा अच्छा ओ हो तो यहां से कॉस थीटा नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस थीटा नॉट की वैल्यू आ रही 1 माइनस 1/4 जो कि हो जाएगा 4/5, जो कि क्या हो जाएगा 4/5 थीटा नॉट, अच्छा आ गया है, इसका मतलब थीटा नॉट, अगर कॉस थीटा नॉट की वैल्यू आ रही है आपके लिए 4/5, थीटा नॉट की वैल्यू हो जाएगी कोस इनवर्स ऑफ 4/5 जो कि होता है 37 डिग्री, इसका मतलब थीटा नॉट की वैल्यू क्या है 37 डिग्री, यानी कि अगर आपने इसको 2 मीटर पर सेकंड की ऐसे रफ्तार में तो ये 37 डिग्री मैक्सिमम ऊपर जाएगा, पेंडुलम करता रहेगा, अगर आपने यही वाली रफ्तार √20 दिया होता तो ये यहां तक पहुंचा होता, अगर आपने यही वाली रफ्तार √5 gr यानी 50 दिया होता तो ये यहां पहुंच के ऐसे कर, अगर आपने √20 से लेके √50 के बीच में कुछ दिया होता ये बीच में कहीं ऐसे ऐसे हो जाता, खैर वो बातें आपके पढ़ने की नहीं है। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक आध सवाल और इसके बनाते हैं फिर उन बातों पे चलते हैं। एक सवाल मैं आपसे और पूछूं, वैसे खूब सारे सवाल अपन कर रहे हैं, इसी चीज पे बताते हैं थोड़ा सा ठीक करके, आसान है बहुत आसान है, हताश परेशान निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं कैसे, मैंने कहा अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यहाँ पे वो देखो वर्क पावर एनर्जी की लास्ट में अपन ने बातें की थी कि अपन इसको दोबारा थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सर्कुलर पढ़ने के बाद में, हाँ कि नहीं यार है ना, ओहो तो वहीं पे कुछ सवाल मिक्स करके बनाए जा सकते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे एक पुली लगा दी, मैंने यहाँ पे भी एक पुली लगा दी, यहाँ पे एक धागा यहाँ पे लगा दिया, ओहो और यहाँ पे मैंने लगा दिया है, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लगा दिया, क्या लगा दिया है एक ब्लॉक लगा दिया है जिसका मास क्या है, मैंने कहा कैपिटल एम मान लेते हैं, क्या है कैपिटल एम है, जो कि कहाँ रखा हुआ है, जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इधर क्या हो रहा है, मैंने कहा इधर एक स्मॉल मास है, क्या है स्मॉल मास एम है, जिसको अपन यहां से थीटा एंगल से रिलीज कर रहे हैं, कहां से रिलीज कर रहे हैं थीटा एंगल से रिलीज कर रहे हैं, मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, और ये वाली लेंथ मान लीजिए एल है, कौन सी लेंथ है, यहां से लेके यहां तक के जो धागे की लंबाई है वो एल है, मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शानदार, ओहो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड दी
फाइंड दी वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट कैपिटल एम जस्ट लिफ्ट ऑफ फ्रॉम दी सरफेस कितने थीटा से अपन रिलीज करें कि भैया ये जो कैपिटल एम है वो जस्ट लिफ्ट ऑफ कर जाए। क्या कर जाए? जस्ट लिफ्ट ऑफ कर जाए जब ये भाई साहब जो है यहां से सर्कुलर करेंगे टिक 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 है कि नहीं यार, जस्ट लिफ्ट ऑफ कर जाए उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये सवाल आपसे पूछा गया है। कि जैसे ही इसको हमने रिलीज कर दिया तो ये जस्ट लिफ्ट ऑफ कर जाए अपनी यात्रा के दौरान, है ना। कौन ये? इसकी यात्रा, इसकी यात्रा के दौरान। अच्छा ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये सर्कुलर कर रहे हैं नीचे की तरफ, इनिशियल स्पीड इसकी जीरो है, यहां से यहां आते आते इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, हमको तो लगता है कि मैक्सिमम टेंशन जो है धागे में यहीं पे होगी और वो क्या होगी, मैंने कहा अगर रफ्तार इसकी वी हो गई है, ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे इस पे एमजी लग रहा होगा और क्या लग रहा होगा, मैंने कहा एमवी स्क्वायर बटा एल लग रहा होगा। हो यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम आएगी आपके धागे के अंदर, वो होगी आपका एमवी स्क्वायर बटा एल प्लस एमजी। मैंने कहा ये जो मैक्सिमम, अच्छा और इसको जस्ट लिफ्ट ऑफ करने के लिए क्या चाहिए, एमजी चाहिए भैया, कैपिटल एमजी। अगर ये कैपिटल एमजी के बराबर टेंशन हो जाए, कैपिटल एमजी के बराबर, क्योंकि नीचे की तरफ आपका कैपिटल एमजी लग रहा है, नॉर्मल जस्ट जीरो हो जाए, क्या ये जस्ट लिफ्ट ऑफ कर जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे आपका एमवी स्क्वायर बटा एल प्लस एमजी जो है वो कैपिटल एमजी के बराबर होना चाहिए भैया जस्ट लिफ्ट ऑफ करने के लिए। काइको ऐसा, काइको बोल रहा है मास्टर ऐसा इसलिए कि ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है वो जस्ट इसके बराबर होना चाहिए तभी तो जस्ट लिफ्ट ऑफ करेगा। अरे भैया अगर आपने कहीं बीच वाले को, कहीं किसी और पॉइंट वाले को इस कैपिटल एमजी के बराबर कर दिया तब तो ये जस्ट लिफ्ट ऑफ नहीं करेगा, लिफ्ट ऑफ ही कर जाएगा, मतलब ये भाग जाएगा उधर। लेकिन जब यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन जब हो रही है वो जस्ट इसके एमजी के बराबर हो, जस्ट लिफ्ट ऑफ करे और फिर वही रहेगा, फिर ये आगे ऐसे चला जाएगा क्योंकि टेंशन यहाँ पे मैक्स है, उसके बाद आगे फिर से कम होने लग जाएगी। अपने बात की थी ना कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर कर रहा है तो आपके लिए टेंशन जो मैक्सिमम होगी यहाँ पे धागे में, यहाँ पे आपके पास टेंशन क्या होगी अगर ये वी रफ्तार जा रहा है, यहाँ पे टेंशन मैक्स और यहाँ पे मिनिमम। अच्छा तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन आपके लिए हुई है और यहाँ पे जो कैपिटल एमजी के बराबर हो जाए तो लिफ्ट ऑफ कर जाएगा। एक रिश्ता ये हो गया है और दूसरा इस वाले रिश्ते में अपने को क्या चाहिए, मैंने कहा इस वाले रिश्ते में अपने को वी चाहिए। क्या चाहिए? वी चाहिए। वी कहां से मिलेगा? मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास ये वाली दूरी क्या होगी, मैंने कहा ये वाली दूरी L है, अभी क्या है ये वाली दूरी L cos थीटा है, क्या कम हुआ है, मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई है, मैंने कहा mgh, m स्मॉल m gh, h ये वाली लेंथ है जो कि L माइनस L cos थीटा हो जाएगी, यानी L इंटू 1 माइनस cos थीटा, दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो कि आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली जीरो था तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या वी स्क्वायर की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है। इसको उठा के कहां डालेंगे, इसको उठा के कहां डालेंगे वी स्क्वायर की वैल्यू को, वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से मिल गई है आपके लिए ट्वाइस ऑफ जी एल वन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इसको उठा के कहां डालेंगे भैया, यहां डाल देंगे, है ना। और ये एम एम सब मत काट देना, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ये वी की वैल्यू डाल दोगे तो पूरी इक्वेशन में नॉन कौन हुआ, कॉस थीटा। तो क्या थीटा पता किया जा सकता है? अरे कॉस थीटा पता कर दोगे तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ रायता आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू रायता, तो पता किया जा सकता है। ये आपका रिश्ता नंबर टू हो गया, इसको उठा के यहाँ पे डाल दीजिए तो आपका हो जाएगा एम बटा एल इंटू आपका क्या हो गया है, टू जी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू हो गई है, प्लस आप कर दीजिए स्मॉल एम जी दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम जी। अब आप ध्यान से देखिए तो एल ने एल की बत्तियां गुल कर दी है, क्या यहां से सॉल्व करके कॉस थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू रायता, थीटा इज इक्वल टू
cos inverse of that right था। ये आपका आंसर होगा। ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। आपको जस्ट लिफ्ट का पूछा तो आपको समझ में आ गया कि भैया जहां पे सर्कुलर में मैक्सिमम टेंशन होगी वही जस्ट इसके एमजी के बराबर हो जाए वेट के बराबर, तब जस्ट लिफ्ट ऑफ होगा। कहीं और के टेंशन को इक्वल टू ये कर देंगे फिर तो ये लिफ्ट ऑफ कर जाएगा, है कि नहीं यार? अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब अपने को लगता है कि अपने को वो वाली कंडीशन पढ़ना चाहिए जब यहाँ की स्पीड यानी लोअर मोस्ट पॉइंट की जो स्पीड है वो रूट 2 जीआर से बड़ी हो और रूट 5 जीआर से कम हो। वो वाले पढ़ते हैं पहले, इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए भाई सब ये हो गया चकाचक। मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन स्टार्ट करवाते हैं। यहाँ पे अपना जो पार्टी यहाँ जो मास है अपने पास m है ना, इसको अपन ने u दे दिया, एक रफ्तार दी, क्या दी? u रफ्तार दे दी। अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और ये जो रफ्तार u है, इफ यू इज ग्रेटर देन रूट 2 जी आर, क्या है? ग्रेटर देन रूट 2 जी आर है, लेस देन रूट 5 जी आर, लेस देन रूट 5 जी आर। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब क्या होगा? मैंने कहा अगर रूट 2 जी आर से बड़ी है और आर कितने ले लेते हैं, और अगर रूट फाइव जी आर से बड़ी भी पीएचडी कर चुके हैं, रूट 2 जी आर से कम पे पीएचडी कर चुके हैं, यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, अरे ये तो कंफर्म है कि रूट 2 जी आर से बड़ी है तो इससे आगे निकलेगी, और ये भी कंफर्म है कि यहां से आगे निकलने के लिए रूट 5 जी आर से चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब कहीं बीच में गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे आप देंगे ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये जाएगा यहाँ से टिक 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 ऐसे कुछ जाएगा। मान लो कि यहाँ तक पहुंच गया, ये तब तक जाता रहेगा सर्कुलर पाथ पे जब तक सर्कुलर करवाने वाला टेंशन जिंदा हो, टेंशन नॉन जीरो हो। एक वक्त ऐसा आएगा टेंशन, मान लो कि ये यहाँ पहुंच गया और इसकी रफ्तार है, इसकी रफ्तार टेंजेंशियल ही रहेगी। मान लीजिए इस पॉइंट पे पहुंच गया कहीं पे, चलते चलते यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पे रफ्तार कैसी हो गई है? वी हो गई है यहाँ पे रफ्तार। और कुछ ऐसा हुआ कि इस वाले पॉइंट पे टेंशन क्या हो गई? जीरो हो गई। इस वाले पॉइंट पे मान लीजिए कि टेंशन क्या हो गई है यहाँ वाले पॉइंट पे, टिक 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 यहाँ वाले पॉइंट पे, यहाँ से एंगल थीटा पे मान लो टेंशन जीरो हो गई है, टेंशन जीरो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, टेंशन जीरो। इसने कहा आगे हमको अब सर्कुलर का टेंशन ही नहीं है, हम सर्कुलर करेंगे ही नहीं क्योंकि हमको करवाने वाला कोई नहीं है, अब तो हम वी, और ये है आपका स्पीड यहाँ पे वी है इसकी, और टेंशन है ही नहीं। मैंने कहा धरती माता तो इस पे फोर्स लगा रहा है एमजी। मैंने कहा हाँ, तो ये क्या करेगा? ये प्रोजेक्टाइल करने लग जाएगा। भैया ये एंगल है आपका थीटा, ये पूरा है 90, तो ये है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये भाई साहब यहाँ पे इनकी स्पीड है इधर की तरफ वी, और ये एंगल है ऐसा थीटा। क्या करेंगे? प्रोजेक्टाइल करेंगे, यानी ये भाई साहब यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए कहीं वापस आएंगे यहाँ पे आके फिर वापस सर्कुलर का पार्ट हो जाएंगे ऐसे। अब लोग बोले यहां से छूटा है सर्कुलर से तो इसके जस्ट अपोजिट ये वाले पॉइंट से वापस सर्कुलर स्टार्ट करें। मैंने कहा ऐसा जरूरी नहीं है, एक बार तो जेई वाले सवाल में ये यहां से कहीं बीच में छूटा था, सेंटर से पास हो गया था, तो यहां कहीं छूट जाए ऐसे टिक 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 सेंटर से पास होगी इधर की तरफ भी तो आ सकता है ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यहां से जस्ट अपोजिट पॉइंट पे ये सर्कुलर स्टार्ट करे। अरे वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड स्पीड पे भी डिपेंड करेगा और इसके रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, तो ये कहीं भी इधर आ सकता है। माना कि यहां तक आ गया, यहां से यहां तक क्या कर रहा था सर्कुलर, यहां से यहां तक क्या किया प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां से पूरे एनालिसिस में क्या लगा? मैंने कहा वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगेगी, सर्कुलर भी लगेगी और प्रोजेक्टाइल भी लगेगी, तीनों देर को आता है तो मजा ये हो गया। अब डर मत, अब तुझे ये पता करना है भाई साहब कहां जाके ये घटना हुई है। मैंने कहा वहां जाके हुई है जहां पे टेंशन जीरो हो गई है। ओ हो 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 हो, माना कि रेडियस आर है। ओ हो 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 हो, तो ये वाली दूरी क्या हो गई है? आर कॉस थीटा। क्या हो गई है? आर कॉस थीटा। आप ऊपर कितने गए हैं? आप ऊपर गए हैं,
आर प्लस आर कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी बड़ी होगी एम जी आर प्लस आर कॉस थीटा यानी वन प्लस कॉस थीटा इजिकल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इजिकल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा क्या लॉस हुआ है, इनका वन बाई टू एम पहले क्या थी यू स्क्वायर थी, अब क्या है वी स्क्वायर, अरे हाफ एम यू स्क्वायर पहले थी और अब क्या हो गई है हाफ एम वी स्क्वायर, इतना लॉस हुआ है। बाकी आप वर्क एनर्जी से निकाल सकते हैं, मैं सिंपल लो है कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन, सॉरी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है। इनका अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि ट्वाइस ऑफ जी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा is equal to u square minus v square है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे मास m है, नीचे इस पे क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा, ये एंगल क्या है थीटा, इधर क्या लग रहा होगा इनका mv square बटा r लग रहा होगा, इधर मैं इनका टेंशन है, पहले वैसे तो हुआ क्या करता था मैंने कहा टेंशन प्लस mg cos थीटा mv स्क्वायर बटा r के बराबर हुआ करता था, लेकिन टेंशन जीरो है यानी mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बटा r है। v स्क्वायर की वैल्यू को क्या मैं यहां से डाल सकता हूं, मैंने कहा यहां से क्या मैं v स्क्वायर की वैल्यू को डाल सकता हूं, v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए, v स्क्वायर की वैल्यू यहां से मेरे लिए हो जाएगी u स्क्वायर माइनस, अरे v स्क्वायर को यहां से क्या लिख सकते हैं u स्क्वायर माइनस 2gr 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ये हो जाएगा भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, खूबसूरत। अब हमारा सपना क्या है, हमारा सपना है कि हमें मिल जाए cos थीटा, हम चाहते हैं थीटा मिल जाए, भाई कौन से वाले एंगल पे ऐसी घटना घटित होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो m से m मैंने गायब कर दिया है, r को मैंने इधर ले आया तो ये बन गया rg cos थीटा, क्या बन गया है rg cos थीटा दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gr माइनस 2gr है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, और क्या आएगा, मैंने कहा और आपका आ गया है माइनस 2gr cos थीटा का, ओहो इसको उधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 3gr cos थीटा इज इक्वल टू मैंने कहा u स्क्वायर माइनस 2gr, ओहो cos थीटा क्या आया है u स्क्वायर माइनस 2gr डिवाइडेड बाई 3gr। आप बोलेंगे कोई काम का रिश्ता है, मैंने कहा बहुत काम का है, याद रहे तो कोई बुराई नहीं है, मतलब स्टाइल में मास्टर यही बोल रहा है कि याद ही रखना है बस, मतलब याद रखने से फायदा है। अरे भाई ऐसा तो बोल नहीं सकते जी एडवांस में, याद ही रखना याद ही पढ़ाई तो तू हमेशा कर सकता है, लेकिन भाई बहुत सारे सवालों में याद रहेगा तो ये बहुत काम आता, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको रात को 2:30 बजे भी उठा के कोई पूछे रिलेशन कि cos थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन आपके लिए क्या जाएगा 3gr, ध्यान रहे u क्या है, मैंने कहा u है इनिशियल स्पीड, u क्या है इनिशियल स्पीड है, r क्या है रेडियस है जी आपको समझ में आता है, थीटा कहां से लिया है मैंने कहा वर्टिकल से लिया है याद रखना, यहां पे आपके लिए थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gr डिवाइडेड बाय 3gr, यहां इस वाले इतने थीटा पे कहां से वर्टिकल से ये स्लैक कर जाएगा और वहां से सर्कुलर खत्म, टेंशन जीरो, क्या शुरू हो गया है प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपका तीनों चैप्टर का बेसिक अगर आपको पता है तब आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है मैंने कहा अच्छा टाइम मेरे को लग रहा है 1 घंटे के आसपास हो गया है, ज्यादा टाइम अपन क्या है 1 घंटे से ज्यादा निकल जाते हैं, चीजें बहुत सारी बताते हैं इसलिए, लेकिन फिर बच्चा लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है ज्यादा देखने में। तो एक सवाल हमको लगता है कि यार स्पीड कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा रूट 2gr और रूट 5gr के बीच में होनी चाहिए, मैंने कहा एक सवाल बनाते हैं कि एक पार्टिकल है, क्या है एक पार्टिकल है इसका मास क्या है, इसका मास है 1 kg, जो इसका रेडियस है 1 मीटर, यहां से फिक्स कर रखा है, इसको स्पीड दे दी मैंने कितनी रफ्तार दूं, मैंने कहा रूट 2gr 20 होता है, रूट 5gr 50 हो जाएगा इस वाले केस में, मैंने रूट 44 दी, क्या दी है आपको रूट 44 मीटर पर सेकेंड दे दी, और क्या आपको लगता है कि स्लैक करेगा बीच में कहीं जाके जहां प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हो जाएगी,
अगर आपको ऐसा लगता है, लगना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। ओहो हो हो हो, यहाँ से कहीं थीटा पे ये घटना घटित होगी, थीटा बताइए, यहाँ पे कुछ स्पीड होगी, मैंने कहा स्पीड बताइए, है कि नहीं यार। ओ अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए ये कर क्या रहा होगा, प्रोजेक्टाइल करेगा, इसके बाद में आपसे कोई बोले कि मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या होगी इस पार्टिकल की, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेम्प्ट बाय दिस पार्टिकल। अगर पार्टिकल को यहां से भेजा है तो यहां तक r हो गई है, यहां तक क्या हुआ है r cos थीटा, और यहां से यहां तक ये प्रोजेक्टाइल है टिक 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 टिक, तो ये वाली हाइट क्या होगी वी, ये वाली हाइट क्या होगी भाई साहब, ये वाली हाइट आपके लिए हो जाएगी वी साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, अरे u स्क्वायर बाय 2g, सॉरी u स्क्वायर बाय 2g, तो v u आपका इनिशियल y, y में स्पीड जो है वो v साइन थीटा है, वी साइन थीटा का स्क्वायर, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय दिस पार्टिकल m है, m का जो h max है, h max जो है अटेंड क्या हो जाएगा आपके लिए m के द्वारा, वो आपका हमको लगता है कि r, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी r cos थीटा प्लस ये वाली दूरी हाइट, यहां पे मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा v sin थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, v निकाला जा सकता है यहां से, यहां की वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के या एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा लीजिए, अरे यहां की नहीं यार, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा कौन, आपका पार्टिकल। ओ तो आपसे यहां पे पूछेगी h max बता दीजिए कितनी मैक्सिमम हाइट इतने अटेंड की है, बता पाएंगे क्या, क्या जहां पे ये स्लैग करेगा वहां का टेंशन क्या होगा, मैंने कहा वो तो जीरो होगा, ये सब बताइएगा। और मेरे को लगता है टाइम हो गया है ना, तो फिर अपने को इसको बोल देना चाहिए होमवर्क में, क्या बोल देना चाहिए होमवर्क में, बोल देना चाहिए रूट 44 क्यों दिया है, रूट 44 का स्क्वायर हो गया आपका 44 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 30, 44 माइनस 20 किया तो आपके पास क्या आ गया 24 डिवाइडेड बाई 30। अच्छा तो ये आपका हो गया है हाँ 6 × 4 = 24 हाँ ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है भाई साहब, ठीक है बिल्कुल ठीक रहेगी, अच्छा रहेगा, आप ले लीजिए 44, बिल्कुल 44 आप रखिए, r की वैल्यू 1 रखिए और 1 मीटर रखिए, थीटा बताइए, v बताइए, h max बताइए, सब बताइए। हमको लगता है आज का फिर खेला हमने खत्म कर देना चाहिए, हमको ये वाला खेला अभी खत्म कर देना चाहिए भाई साहब, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया है। हम लॉर्ड के इस पे बहुत सारे अच्छे JEE के सवाल सॉल्व करेंगे और वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे एक और लेक्चर और बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल सॉल्व करते हैं। आज के खेला को फिर मतलब यहीं पे खत्म मानिए आप, और इस सवाल को सॉल्व करके आइएगा, आप होमवर्क वगैरह करते रहें, मतलब एज यूजुअल वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजों को समझना और उसको अप्लाई करना, फिर उसी से डिसाइड होगा कि आप कितने ज्यादा सवाल किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सॉल्व करते हैं। जितने ज्यादा आप सवाल सॉल्व करते हैं उतना ही क्लैरिटी आपको कॉन्सेप्ट की होती हुई दिखाई देती है कि भाई साहब, फिर धीरे आपको थोड़े थोड़े वक्त के बाद आपको लगने लगता है कि भाई कोई बहुत ज्यादा तगड़ी चीज नहीं है, है ना, मतलब इतना सा नॉलेज है, बस उसी को अप्लाई करना होता है और सवाल हो जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा मतलब टफ वाली बात नहीं है, है ना। आप तो वैसे भी होनहार बच्चे हैं, क्रीम आउट ऑफ क्रीम। तो खेला को यहीं खत्म करते हैं, आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, अपन चलते हैं, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय।